तो भाई लोग आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ऐसे टॉप के बारे में जिसमें कि आपको बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पर 15 इंच के चार टॉप में ही यहाँ पर काफी अच्छा और काफी तगड़ा बजने वाला सेटअप यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फुल डिटेल्स दूंगा यहाँ पर, कौन सा एम्पलीफायर आपको लगाना है और स्पीकर कौन सा रहेगा, स्पीकर का प्राइस कितना पड़ेगा, कैबिनेट का प्राइस कितना पड़ेगा, एचएफ आपको कितने वाट का लगाना है, कौन सा एचएफ लगाना है उसका प्राइस कितना होगा, और सभी का यहाँ पर चार टॉप का प्राइस कितना होगा, इसमें एम्पलीफायर कौन सा रहेगा, कनेक्शन कैसे रहेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि चार टॉप में भी आपका काफ़ी अच्छा सेटअप बजे, मतलब कि यहाँ पर दो बेस और चार टॉप को फेल कर दे, तो यहाँ पर इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर हम बात करने वाले हैं इस सेटअप के बारे में जिसमें कि आपका चार टॉप रहेगा सिर्फ, और यहां पर 15 इंची के स्पीकर रहेंगे जो कि 1200 वाट के डुअल यहां पर स्पीकर के साथ प्लस 150 वाट के एचएफ के साथ, तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो 2400 वाट का एक कॉलम बनता है। अगर एचएफ को मिलाते हैं तो 2550 वाट का बनेगा। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इस टॉप के बारे में प्राइस कितना पड़ने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहां पर हम बात करेंगे स्पीकर के बारे में। तो यहां पर हमें स्पीकर कौन सा लेना है, तो यहां पर स्पीकर आप देखेंगे तो काफी जाना माना पॉपुलर स्पीकर रहेगा पीआरडीओ का, जो कि पीआरडीओ का C15 GST 1200। तो यहां पर एक भाई का कमेंट आया था कि चार साउंड में ही काफी तगड़ा बजे, जो कि मैं यहां पर स्क्रीन पर दे दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे पीआरडीओ का C15 GST 1200 जो कि चैलेंजर सीरीज में आता है, और यहां पर आप देखेंगे तो इसमें इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इसके स्पीकर के बारे में स्पेसिफिकेशन, यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे इस स्पीकर में। तो यहां पर जो इसका नॉमिनल डायमीटर है वो है 381 mm जो कि 15 इंच का स्पीकर है, और यहां पर पावर के बारे में बात करेंगे 1200 वाट का AES पावर आपको देखने को मिलेगा, इम्पिडेंस आपको 8 ohms देखने को मिलेगा, सेंसिविटी यहाँ पर 96 dB देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पर 40 Hz से लेकर के 2000 Hz का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इस स्पीकर में काफ़ी अच्छा बेस और मिड आपको देखने को मिल जाता है। चेजिस टाइप यहाँ पर कास्ट अल्युमिनियम का देखने को मिलेगा, मैग्नेट टाइप यहाँ पर फ्राइट का मिलेगा। मैग्नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो 4.3 kg का यहाँ पर मैग्नेट का वेट यहाँ पर होने वाला है, जो कि काफी हेवी यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। वॉइस कॉइल के बारे में बात करेंगे तो काफी लार्ज वॉइस कॉइल इसमें लगता है, जो कि 101.6 mm का यहाँ पर 4 इंच का वॉइस कॉइल यूज किया जाता है, और यहाँ पर कॉइल मटेरियल जो है वो है कॉपर का, और यहाँ पर कॉर्न मटेरियल आप देखेंगे तो पेपर का आपको देखने को मिलेगा, और जो इसका सस्पेंशन होता है वो यहाँ पर डबल यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्पीकर है वो काफी हेवी वोल्टेज में आता है, तो यहाँ पर इसका जो सस्पेंशन वो डबल में आता है। नेट वेट के बारे में बात करेंगे तो 15 kg 200 g का एक स्पीकर का वेट बन जाता है, जो कि ओनली स्पीकर का है। अगर आपके बॉक्स भी है तो बॉक्स का यहाँ पर अलग से आपका लगभग 17 kg के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस स्पीकर का RMS पावर आपको कितना देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस स्पीकर का RMS पावर बताऊं तो इसका 850 वाट RMS पावर कंपनी बोलती है। तो यहाँ पर 850 वाट का RMS पावर में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि 4 इंच वॉइस कॉइल। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस स्पीकर के प्राइस के बारे में, तो इस स्पीकर का जो प्राइस रहेगा वो लगभग 12,500 से लेकर के 13,000 के आसपास पे आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले एक टॉप को बनाने में हमें कितना पैसा लग सकता है। तो पहले हम बात करेंगे 13,000 का एक स्पीकर आता है, हमें लेना पड़ेगा 2 स्पीकर, एक टॉप में लगाने के लिए 2 स्पीकर और 1 HF, और उसमें 1 नेटवर्क प्लेट जिसमें कि HF को यहाँ पर कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर 2 स्पीकर का प्राइस हो जाता है 26,000, जिसमें कि हमारा यहाँ पर HF और नेटवर्क का यहाँ पर हो जाता है लगभग 7,000 रुपये का यहाँ पर आपका HF हो जाएगा, जो कि आप ATI Pro का यहाँ पर 150 वाट का HF आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपके यहाँ पर नेटवर्क प्लेट लगेगा जो कि आपको 1200 के आसपास में पड़ जाता है, 1200 से लेकर 1500 के आसपास पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पर टोटल मिला करके, और यहाँ पर इसमें आपको एक बॉक्स भी लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर हम टॉप बोलेंगे, तो यहाँ पर एक टॉप जो कि यहाँ पर खाली बॉक्स रहेगा उसका प्राइस लगभग 7,500 या फिर 7,000 आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 स्पीकर का 26,000 प्लस एक बॉक्स आपको लेना पड़ेगा जो कि 7,000 के रहेगा, और यहाँ पर HF और नेटवर्क प्लेट जो कि यहाँ पर 8,200 कंप्लीट करके बन जाता है। टोटल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो स्पीकर और कैबिनेट है वो आपका बनता है 33,000 का, और यहाँ पर HF और नेटवर्क प्लेट वो बनता है आपका 8,200 रुपये का। तो एक जो कैबिनेट है, मतलब एक जो टॉप है, वो अगर आप डुअल टॉप बनाते हैं प्लस आपके 150 वाट का HF रहेगा, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस बनने वाला है वो बनने वाला है 41,200, मतलब 41,000 से लेकर के 42,000 के आसपास में एक डुअल टॉप आपका बनेगा,
ओनली एक डुअल टॉप बनेगा जो कि 15 इंच में रहेगा और इसका जो वॉटेज रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और काफ़ी हेवी रहेगा, आपको बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एम्पलीफायर भी आपको काफ़ी हेवी लेना है, तो चलिए हम वीडियो का यहाँ पर देख लेते हैं इसमें हमें कौन सा एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ेगा चार टॉप के लिए। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे चार टॉप का प्राइस हमें कितना पड़ जाता है, तो यहाँ पर 41,200 गुणे यहाँ पर चार टॉप तो बराबर यहाँ पर आ जाता है 1,64,800, मतलब तकरीबन 1,65,000 मान सकते हैं, कुछ ज्यादा भी जा सकता है, 1,70 भी आपको पड़ सकता है मार्केट के हिसाब से, कैबिनेट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं क्योंकि यहां पर कैबिनेट का जो प्राइस है वो कहीं प्लाई का दाम सस्ता होता है, कहीं प्लाई का दाम महंगा होता है, तो यहाँ पर कैबिनेट में आपको फर्क पड़ सकता है। और वहीं बात करेंगे यहाँ पर मिक्सर के बारे में, तो आपको 3 चैनल का मिक्सर लेना है जो कि डीजे मिक्सर रहेगा, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 10,000 पकड़ के चलिए। और यहाँ पर चार टॉप को चलाने के लिए एम्पलीफायर आपको लेना है यहाँ पर एनएक्स ऑडियो का MT1201 जो कि 5000 वाट का एम्पलीफायर है, कोई सा भी आपको जो अच्छा लगता है वो एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 एम्पलीफायर लेना पड़ेगा जिसका प्राइस आपको लगभग यहाँ पर 1,00,000 के आसपास पड़ने वाला है। और अगर हम टोटल अमाउंट को ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर आल केबल का भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर आपका जो चार टॉप है, 2 एम्पलीफायर है और 1 मिक्सर है, बाद बाकी यहाँ पर स्टेबलाइजर और जनरेटर वगैरह यहाँ पर आपका अलग से लगेगा। तो यहाँ पर चार टॉप का जो प्राइस पड़ता है वो 1,64,800 रुपये जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इस्टीमेट बैठाए हैं। और यहाँ पर आप जो आपका एम्पलीफायर है जो कि 2 एम्पलीफायर है उसका प्राइस 1,00,000 रुपये और यहाँ पर 3 चैनल मिक्सर का 10,000 रुपये टोटल यहाँ पर हम अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली प्राइस आ जाता है 2,74,800 रुपये। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केबल मिलाकर के यहाँ पर 2,80,000 रुपये में आपका ये सेटअप बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ अगर आप यहाँ पर 2 एम्पलीफायर यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप 4 चैनल का एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर Beta 3 का DT6004 एम्पलीफायर ले सकते हैं जो कि यहां पर 4 चैनल का एम्पलीफायर है, क्लास डी एम्पलीफायर है, डंपिंग उसमें 500 मिल जाता है और इसका 4 ओम्स के ऊपर आपको पर चैनल आउटपुट देखने को मिलेगा 2000 वाट का। तो यहां पर Beta 3 का DT6004 में आप 4 टॉप चला सकते हैं पर चैनल 1-1 टॉप। तो यहां पर अगर आप उस एम्पलीफायर को लेते हैं तो उसका प्राइस समथिंग आपको 65,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्राइस जो है कम हो सकता है, मतलब 2,50,000 के आसपास में आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो अगर आप रफ एंड टफ यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 एम्पलीफायर लीजिए जो कि MT1201 लीजिए, या फिर आप यहाँ पर एनलैब्स का X5 ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर CA20 ले सकते हैं, या फिर CA18 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CA20 काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पर 5000 वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए। डायनेटेक का यहाँ पर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं 5000 वाट का। तो यहाँ पर आपका जो एम्पलीफायर है वो यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो टॉप का वॉटेज बन जाता है, अगर आप RMS पावर में भी जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो स्पीकर का 1700 वाट का RMS पावर बन जाता है प्लस 150 वाट का HF बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर 1850 वाट का RMS पावर में आपका यहाँ पर 1 टॉप बनता है। और यहाँ पर जो NX Audio का MT1201 है वो आपको 4 ओम्स के ऊपर यहाँ पर 1850 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस एम्पलीफायर को मैंने ऐड किया है जो कि काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस दे सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पर इसका प्राइस कितना लगेगा, चार टॉप का प्राइस कितना लगेगा, एम्पलीफायर हमें कौन सा लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आप इसमें स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो आपको 10 kVA का स्टेबलाइजर लेना है प्लस यहाँ पर आपको 10 kVA का जनरेटर लेना है, या फिर आप 12 kVA में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इतना ही सेटअप को चलाना चाहते हैं तो आप 10 kVA का जनरेटर में इतना सेटअप चला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ओम्स के ऊपर रन किया जा रहा है तो काफ़ी अच्छा चल जाएगा 10 kVA के स्टेबलाइजर में और 10 kVA के जनरेटर में। तो यहाँ पर उसका प्राइस आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था, काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पर बजेगा आपका, बेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 बेस और 4 टॉप अगर अगला आदमी बजाता है, मतलब आगे वाला कोई सेटअप अगर बजाता है तो आपका सेटअप ज़्यादा बजेगा उससे। लेकिन यहाँ पर यह भी शर्त है कि अगर आपका उसका स्पीकर थोड़ा सा कम वाटेज का होना चाहिए और बेस भी लगभग 1000 वाट का बेस लगभग होना चाहिए तो आपका जो 4 टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा बजेगा उसके आगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।